Hey guys, welcome to my channel That Glam Girl. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं टू लुक प्रिटियर, टू लुक मोर प्रेजेंटेबल, डिसेंट फॉर योर कॉलेज और फॉर योर वर्क. सो गाइज, देख लेते हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है जो कि आपको इंस्टेंटली प्रिटी और डिसेंट दिखा सकती हैं. चलिए वीडियो में मूव ऑन करते हैं. सो द फर्स्ट टिप इज गाइज, आपको अपने हेयर को कैसे रखना है. हेयर में कभी भी आप नीचे पोनीटेल नहीं बनाएं, बहुत ज़्यादा ऑड लगती है और आपका जो फेस है काफ़ी बड़ा और काफ़ी मैच्योर लगता है. सो आपको अगर एक नॉर्मल टीनेजर के हिसाब से दिखना है, आपको इतना मैच्योर नहीं दिखना. सो हर बार आप जो पोनीटेल बनाएं वो या तो टॉप पे बनाएं या तो आप अपने हेयर्स को ओपन भी रख सकते हैं, जैसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ. सो ड्रेसअप होने के बाद मैं अपने हेयर्स को ओपन रखती हूँ. अब आपके हेयर जो हैं वो इस तरीके से ओपन रहेंगे तो आप इंस्टेंटली 10 times ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं. नेक्स्ट टिप मेरी ये होगी अबाउट योर फेस. फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है इन दी मॉर्निंग एंड ऑल्सो मॉइस्चराइजिंग योर फेस. सो आपका जो फेस है अगर आप रात सुबह उठ के उसे वॉश करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके फेस की जो एक्स्ट्रा डर्ट है, सीबम है, जितना भी क्रीम्स आपने ऑयलीनेस अपने फेस पे कर रखी है रात को, वो सारी हट जाएगी, आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा. सो गाइस, सबसे पहले मैं मेरे फेस वॉश से मेरे फेस को वॉश कर लूँगी. आपके फेस पर जो भी फेस वॉश सूट करता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैंने मेरे फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है. अब इसके बाद मैं मेरे फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी. मैं मॉइस्चराइज करूँगी इसे पॉन्स फ्लॉलेस रेडियंस डर्मा क्रीम से. ये फेस क्रीम जो है इसमें मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ SPF भी है, तो आप जो चाहें जो भी फेस क्रीम यूज़ कर सकते हैं फॉर मॉइस्चराइजेशन. तो क्योंकि वॉश के बाद आपका फेस कभी भी ड्राई फील कर सकता है. सो गाइस, मॉइस्चराइजेशन से क्या होता है, आपके फेस पर एक हेल्दी सा ग्लो आएगा और आपका फेस इतना ऑयली भी नहीं लगेगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर जो होता है वो आपके फेस में 2 to 3 minutes में पूरा ब्लेंड हो जाता है. उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं अगर आपके मॉइस्चराइजर में सनस्क्रीन नहीं है तो. थर्ड टिप जो हमारी है वो है, अब अपनी आईज जो सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट होता है आपकी फेस का, उसको आप कैसे ब्यूटीफुल बनाएंगे. सो उसके लिए आपको कोई आईलाइनर्स, आईशैडोज, आई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है. आप एक अच्छा काजल चूज़ करके अपनी आईज में अप्लाई कर सकते हैं. काजल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ प्लम काजल, इट इज़ इन दी शेड ब्राउन. सो ये काजल मैं अपनी आईज में अप्लाई करूँगी. काजल्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान रखनी है वो ये होती है कि आपका जो काजल है वो इतना भी डार्क या फिर इतना भी वाटरप्रूफ नहीं होना चाहिए कि काजल जब स्मच हो और आपकी लोअर वाटरलाइन पे आए तो वो हटे ही नहीं और नेक्स्ट डे ऐसा लगे कि आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं. तो गाइज, अगर ऐसा कोई काजल आप अप्लाई करते थे तो उसको क्लेंजर से अच्छे से हटाएं, ताकि जो आपका काजल है वो अंडर आइज पे आकर आपके डार्क सर्कल्स वाला लुक नहीं दे. तो आप चाहें तो ये वाला काजल यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर लें, पर ध्यान रखें कि वो स्मच होके ऐसा भी ना हो जाए कि वो आपकी अंडर आइज से हटे ही नहीं 2-3 दिन तक. तो अब मूव ऑन करते हैं फोर्थ टिप पर. कॉलेज जाने से पहले आप अच्छे अच्छी हेयर स्टाइल्स बना के जा सकते हैं. आप अपने ड्रेसेस में आउटफिट्स भी अच्छे अच्छे पहन सकते हैं, पर एक चीज़ आपको इन दोनों में जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कुछ भी ओवर नहीं होना चाहिए. एवरीथिंग शुड लुक कैजुअल एंड डिसेंट. क्योंकि अगर आप टी शर्ट्स भी वेयर करते हैं अपने कॉलेज में तो भी अच्छी लगेंगी. अगर वो प्रेजेंटेबल है, अगर वो डिसेंट लगती है तो डेफिनेटली दे लुक गुड. अगर आप अपने कॉलेज में वेयर करके जाते हैं पार्टी वेयर क्लोथ्स या फिर सीक्वेंस क्लोथ्स या फिर ऐसे टाइप के कपड़े, ड्रेसेस और ऐसे टाइप के कपड़े जो कि नॉर्मल कैजुअल वेयर में नहीं आते, तो आपकी जो आउटफिट है वो थोड़ा ऑड लग सकता है और उससे ऐसा आपका ऐसा अपीयरेंस लगेगा कि जिस तरीके से आप बहुत ओवर ड्रेस्ड होके आए हैं फॉर योर कॉलेज. सो ऐसा नहीं लगाना है, हमको लगाना है कि आप एफर्टलेसली किस तरीके से ब्यूटीफुल लगें. वही बात हेयर स्टाइल्स में भी आती है कि चाहे आप टॉप पोनी बनाएं, बहुत ही कैजुअल अच्छी हेयर स्टाइल्स बना के जा सकते हैं, पर कुछ भी आपको ओवर नहीं करना, जैसा कि आप खूब सारी पिन्स अपने हेयर में लगा लें या फिर कुछ भी ओवर हेयर स्टाइल्स कर लें तो वो भी एफर्टलेसली ब्यूटीफुल नहीं लगेगा. नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है फिफ्थ. वो टिप ये है कि आप जो अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है. आप अपने लिप्स पर कोई भी लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसमें कलर हो या नहीं. जिसमें कलर नहीं होता है वो है ब्लू हेवेंस का लिप बाम. ऐसे काफ़ी सारे लिप बाम्स आते हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं. वैसलीन भी होती है. और अगर आपको कलर के साथ मॉइस्चराइजेशन चाहिए तो आप बेबीलिप्स भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको लिप बाम नहीं अप्लाई करना तो डेली कॉलेज में लिपस्टिक वेयर करना ज़रूरी नहीं होता है, पर कभी कभी आप लिपस्टिक्स भी वेयर कर सकते हैं. सो लिपस्टिक्स के लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हर स्किन टोन के हिसाब से अलग अलग लिपस्टिक्स होती हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करेंगी.
अगर आपके पास 10-12 लिपस्टिक्स पड़ी हैं, उसमें से एक लिपस्टिक ऐसी होगी जो आपको सूट करेगी। तो मेरे लिए ऐसी लिपस्टिक है मेबलिन कलर शो क्रीमी मैट लिप कलर, यह है शेड नंबर 7। कॉलेज में जाने से पहले जो आप लिपस्टिक्स अप्लाई करते हैं, लिपस्टिक्स की फर्स्ट टिप तो यह है जो आपको स्किन टोन को सूट करे वो लिपस्टिक आप अप्लाई करें। सेकेंड टिप ये है कि डार्क ब्राउन या फिर डार्क रेड रेड लिपस्टिक्स आपको कॉलेज में नहीं अप्लाई करनी, वो भी वही बात है कि ओवर लगेगा। सो आपको क्या करना है, लाइट शेड्स आप कॉलेज में अप्लाई करें। सो इस लिपस्टिक को मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी, और लिपस्टिक आप वीक में एक से दो बार ही लगाएं, बाकी आप लिप बाम में बेबी लिप्स से भी काम चला सकते हैं। सो इस तरीके से आप हो सकते हैं रेडी फॉर योर कॉलेज। गाइस, जो आप लोग काफ़ी सारे लोग नहीं नोटिस करते हो वो ये होती है आपकी नेल पेंट्स। तो नेल पेंट्स जो होती हैं कभी भी चिप्ड हो जाती हैं या फिर उतर जाती हैं आपके नेल्स से, थोड़ी थोड़ी लगी हुई होती है और थोड़ी उतरी हुई बहुत ही ख़राब लगती हैं। आप वो लोग चीज़ नोटिस नहीं करते होंगे, पर जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर लोग जो आपको देख रहे हैं दे विल डेफिनेटली नोटिस दैट। तो या तो आप नेल पेंट अपनी चेंज करें, दूसरी नेल पेंट अप्लाई कर लें, या फिर आप अपने नेल्स से, अगर आप रेगुलरली उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो नेल पेंट आप अपने नेल से हटा भी सकते हैं, तो वो ज़्यादा क्लीन लगेगा। ऑल्सो गाइज, कॉलेज में जो आप अपने आउटफिट पे इतना ध्यान नहीं दे के अपने बैग्स पर और अपने शूज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो आपके बैग होता है वह चाहे आप एक ही परचेज करें अपने कॉलेज के ईयर के लिए, वो आप एक ही बैग पूरे ईयर में कैरी कर सकते हैं। सो आप शूज़ भी 2-3 चूज़ कर सकते हैं फॉर योर कॉलेज। सो इन्वेस्ट इन योर बैग एंड योर कॉलेज शूज़ रादर देन इन्वेस्टिंग मोर ऑन योर कॉलेज आउटफिट्स। तो आपको ये सब टिप्स अच्छी लगी होंगी। इन सब टिप्स को फॉलो करने के अलावा एक लास्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है दैट यू हैव टू ईट हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन। अगर आपकी स्किन में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि पिंपल्स हैं, आपकी स्किन में एक्ने है, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, सन टैन है, तो मेरी होम रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करके वो फॉलो करें, अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दूसरी बात ये है ईट हेल्दी, आपको खुद को डिफरेंस पता है हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड में। 8 आवर्स की अच्छे से स्लीप लें, और डेफिनेटली जो आपकी स्किन है विदाउट मेकअप ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, चाहे आपकी कोई भी एज हो। So guys, I hope you like this video and these tips to look prettier without any effort for your college or for your office. आज जिस गर्ल का नेम मैं मेरी वीडियो में लूंगी वो है सुपर्णा दे, और अगर आप लोग चाहते हैं आप सब में से भी किसी एक पर्सन का नेम मैं मेरी आने वाली वीडियोस में लूँ, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट कर लें डन, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।